दोस्तों मेरे साथ हैं फहीम सर, जिनको 30 इयर्स से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, पीजीटी कॉमर्स हैं और सीबीएसई चेकर भी हैं। ये हमें बताएंगे हमारे सर कि कैसे हमें एग्जाम में किन किन बातों का ख्याल रखना है अपना पेपर देते हुए। तो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। एंड बस मुझे, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब बच्चा जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसकी चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स वो गेन करे, उसके लिए उसे कुछ बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, he reach the center in time and it is advisable to check the center one day before so that last moment he don't go in panic. Time se center pe pahunche, at least half an hour pehle wo center pahunche, aur time se apna roll number, seat arrangement dekhkar without any panic wo classroom ke andar jaakar apni seat ko baith jaye seat par wo, और वो वेट करे फिर वो। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ बच्चे रिवीजन के टाइम पे रिवीजन को सीरियस नहीं लेते, उन्हें लगता है कि रिवीजन अभी तो जैसे तैसे कर लो, जब फाइनल हम एग्जाम में बैठेंगे तब हम वहाँ पे अपना असली करके आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि रिवीजन को हमें कितना सीरियस लेना चाहिए? देखिए, रिवीजन जो हो वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए आपने उसको टाल रखा है। लास्ट मोमेंट में रिवीजन जो है वो नेगेटिव इफेक्ट देता है, पता लगता है। लास्ट मोमेंट में आपको अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। ये नहीं कि आप जो जा रहे हैं पेपर देने के लिए और आप लेकर बैठ गए कि अभी रिवाइज करना सारी चीज़, लास्ट मोमेंट पर आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, फ्री रहना है। जो काम होना था वो हो चुका, जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं आप। लास्ट मोमेंट पे या सेंटर जाकर या क्लासरूम में या स्कूल के बाहर गेट पर बुक्स खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम से एक रात पहले पूरी रात जग जाते हैं और बहुत सारे ऑथर की बुक्स रेफ़र कर लेते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, और उस रात को वो कहते हैं कि एक एक मिनट कीमती और हमें पढ़ाई करनी है। तो इससे आपकी क्या नहीं है? ये मैं समझता हूँ ये सोच स्टूडेंट की बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में वो सारा कोर्स और सारा सिलेबस वो कवर कर लेगा। ये तो उसको चाहिए कि पहले से रात को, एक रात पहले उसे बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल उसकी नींद पूरी हो, उसके जितने काम हैं वो पहले पूरे हो जाएं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे या बिल्कुल लास्ट में सारी बुक्स लेकर पढ़ना, सारा रिवाइज करना, सब कुछ, दैट इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, एक रात पहले अगर एग्ज़ाम से अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका कल पेपर है और उसने कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, छेड़ा ही नहीं है, तो क्या ऐसे मोमेंट पर ये सही रहेगा कि वो उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करें, नए टॉपिक्स को रेफ़र करें? नहीं, क्योंकि फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और फिर जितना उसने तैयार किया हुआ है उसको इफेक्ट करेगी ये चीज़ कि यार ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, जो रह गया सो रह गया। ओके, लास्ट नाइट में उसे सारी चीज़ें नहीं देखनी है, उसे तो शुरू से ही पूरा सिलेबस को उसको कवर करके चलना है। ओके सर, आपने तो बहुत सारे टीचर्स को भी देखा, आपका इतना बड़ा सफ़र रहा है टीचिंग का, मोर देन 30 ईयर्स। सो आप मुझे बताएं कि आप टीचर से बातचीत भी करते होंगे, साइंस के टीचर से, फिजिक्स के टीचर से भी, इंग्लिश के टीचर से भी आपकी बात होती होगी, तो वहाँ जब बच्चा आंसर लिखते वक्त कोई डायग्राम बनाता है या कोई फिगर बनाता है उस आंसर को दिखाते हुए, तो क्या आपको लगता है उससे फ़र्क पड़ता है? यस, इट एक्चुअली डिपेंड टोटली ऑन द सब्जेक्ट। लाइक इन बिजनेस स्टडीज, इफ़ ही इज़ गिविंग द पिक्चर, दैट विल गिव द पॉजिटिव इफेक्ट वाइल चेकिंग द आंसर शीट्स। इफ इट इज़ वेरी गुड इफ ही इज गिविंग द डायग्राम ऑफ द रिलेटेड टॉपिक। ओके, सो सर कह रहे हैं कि अगर आप अगर डायग्राम बना देते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, दैट इज द पॉजिटिव इंप्रेशन, पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, मार्क्स ज्यादा शुड बी। यस, ओके। एक और सवाल होता है बच्चों का कि वो क्या करते हैं, स्पेस बहुत छोड़ते हैं जब अपना आंसर लिख रहे होते हैं, तो काफ़ी साफ सुथरा दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लाइन छोड़ने लगते हैं, शीट्स ज़्यादा भरने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें शीट्स ज़्यादा भरी हैं तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेस्टेज ऑफ पेपर है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इम्प्रेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं जाता उस पर इवेल्युएटर पर भी, अगर इस तरह से स्पेस उसने किया हुआ। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो लेटर का साइज़ बहुत बड़ा करते हैं वो, ताकि ज़्यादा स्पेस आए, ज़्यादा कॉपीज़ बन जाएं, इस तरह की कोई बात नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस फ्रॉम द स्टूडेंट। अच्छा, अगर मुझे चार में से चार नंबर लाने हैं क्वेश्चन के अंदर सर, और थ्योरी का वो क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, बिजनेस है, या कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपको क्या लगता है उस चार नंबर के आंसर में मुझे ऐसा क्या लिखना चाहिए जो मुझे चार में से चार नंबर मिल जाए? देखिए, जो कंटेंट है ना उसे कंटेंट लिखना ही पड़ेगा, जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि कितना उसने ज़्यादा वर्ड लिखे, कितना कम लिखे। लेकिन उसको टू द पॉइंट हो,
जो बात पूछी गई है उसी पे वो कंसंट्रेट करें, उसी पे कंसंट्रेट करें, उसके अलावा इधर उधर देखेगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके माइंड में ये है कि ज़्यादा लिखूंगा ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं, इट शुड बी कंटेंट ओरिएंटेड। बहुत से बच्चों से कटिंग हो जाती है, उनकी राइटिंग ख़राब होती है, तो कटिंग का और राइटिंग ख़राब होने का हमारे मार्क्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जो राइटिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। राइटिंग ठीक है, वो कुछ बच्चों की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो उसमें इवेल्युएटर को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत ज़्यादा उसको कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन आंसर पढ़ना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है उसको, तो राइटिंग तो क्लियर होनी चाहिए। अगर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा कटिंग को अवॉइड करें। ओके, अगर कटिंग हो भी गई है तो उसको क्रॉस करके कर दे, वो ऐसा नहीं है कि उसको वो रब करने की कोशिश करे, या उस पर फ्लूट फ्लूट बिल्कुल अलाउ नहीं है, फ्लूट लगा रहे, ओवर राइटिंग ना करें उसको क्रॉस करें और आगे चले। मतलब चीजों को प्लेन रखते हैं अगर हम अपने आंसर में, तो हमें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर सीक्वेंस वाइज किया, पूरा पेपर सॉल्व उसने सीक्वेंस वाइज किया है एक एक क्वेश्चन का आंसर, तो क्या उसका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है? हाँ, जिसको कॉपी चेक हो रही होती है तो टीचर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, या थोड़ा रिलैक्स वो फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है, अगर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर वाइज उसने आंसर अटेम्प्ट किए हैं। इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है इवेल्युएटर पे, द पर्सन हु इज चेकिंग द कॉपीज। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जाते वक्त तरह तरह के कलर के पेन का इस्तेमाल करते हैं, लाल, पीले, हरे, नीले, तो ऐसे में आपका उस पर क्या इम्प्रेशन रहता है? नहीं, ये तो जिस वक्त बच्चा जा रहा है एग्ज़ाम के लिए, उसका स्कूल टीचर या उसके पेरेंट्स बिल्कुल उसको ये बता उनको ये बताना चाहिए कि सिर्फ ब्लू पेन, क्योंकि रेड पेन अलाउ नहीं है, ग्रीन पेन बिल्कुल अलाउ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लैक पेन हेडिंग के लिए यूज़ कर सकता है, अदरवाइज नो अदर कलर आर अलाउ। ओके, एक और क्वेश्चन है सर कि बहुत सारे बच्चे अपना आंसर लिखते हुए की पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं, और शायद उसमें काफ़ी वक्त भी लगता है, क्योंकि हर आंसर में की पॉइंट्स में अगर आप अंडरलाइन करने बैठे तो बहुत वक्त लग जाता है, तो की पॉइंट्स को अंडरलाइन करने का क्या कॉन्सेप्ट है? दैट इज़ अ गुड थिंग। और अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है या हेडिंग्स है उसको अंडरलाइन कर दें तो इम्प्रेशन स्टूडेंट का इवेल्युएटर पे बहुत अच्छा पड़ता है, पॉजिटिव होता है वो। अब उसे पूरा पैराग्राफ ना पढ़कर जो इवेल्युएटर है उसकी नज़र कहाँ जाएगी, जो उसने अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ से बिल्कुल समझ जाएगा कि द स्टूडेंट नोज द आंसर। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। लास्ट में बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर। आई विश ऑल द स्टूडेंट वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। गो एंड गिव योर बेस्ट एंड लास्ट यू विल गेट द बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच एंड अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट।